किया तो जब संसद ने पास किया तो न्याय की लड़ाई हो गई और ओबीसी को न्याय मिल गई, ओबीसी को न्याय मिल गई, शेड्यूल कास्ट को न्याय मिल गई, शेड्यूल ट्राइब को न्याय मिल गई। तो ये जो बाकी वंचित वर्ग है, उनके जो गरीब बच्चे हैं, उनको क्या न्याय प्राप्त करने का अधिकार नहीं है क्या? तो ये लड़ाई उस न्याय की है कि अगर उनके लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है तो इन गरीबों के लिए संविधान में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता? अमित शाह राजस्थान में अंगद का पैर जमाने से पहले इस व्यक्ष प्रश्न का जवाब दे कि ये इनके लिए क्यों नहीं किया जा सकता, जो तुमने तुम्हारे चुनाव घोषणा पत्र में लिखा, जो तुम्हारी विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया, तुम इसको इसका पहले जवाब दो राजस्थान में। अंगद का पैर तो बाद में जमाना, अंगद के पैर की तो रावण जानता है कितनी ताकत है, राजस्थान में रावण कौन है हमको पता नहीं। इस बात दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं।